नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडियन प्राइम न्यूज और मैं आपके साथ विजय यादव। तो चलते इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। बीसीएमओ हिमांशु पारचार ने बताया कि राज्य सरकार की गाइडलाइन और दिशा निर्देश अनुसार शनिवार प्रातः 9 बजे से शाम 5 बजे तक कोविड वैक्सीन के टीके लगाए जाएंगे, जिसमें स्वास्थ्य कर्मियों, एएनएम व फ्रंटलाइन वर्कर्स को शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि प्रथम दिन 100 लोगों को कोविड वैक्सीन के टीके लगाने का लक्ष्य निर्धारित है। बीसीएमओ पारचार ने बताया कि कोविड वैक्सीन के लिए पहले से रजिस्ट्रेशन हो चुके लोगों को ये टीकाकरण किया जा रहा है, जिसमें लोगों के मोबाइल पर इसका मैसेज भी आएगा। साथ ही कोविड वैक्सीन के बाद सत्यापित का लाभार्थियों के मोबाइल पर मैसेज आएगा। इस मौके पर चिकित्सक प्रभारी डॉक्टर नंदलाल मीणा ने टीकाकरण का अपना अनुभव साझा किया कि उन्होंने डीग सीएससी पर सर्वप्रथम कोविड वैक्सीन का टीका लगवाया है और उन्हें कोई साइड इफेक्ट भी नहीं हुआ और वह पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं। उन्होंने बताया कि सभी को ये टीका लगवाना चाहिए। इस मौके पर कोविड वैक्सीन प्रभारी शशिकांत तोमर, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर मान सिंह सहित नर्सिंग कर्मी मौजूद रहे। इंडियन प्राइम न्यूज से संवाददाता अंगुर जादौन की खास रिपोर्ट।